अशोक बात कीजिए, संजय राउत आपके साथ है। अशोक बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा चर्चा में संजय राउत हैं। बेशक महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई हो, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया हो, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में है, लेकिन संजय राउत सबसे ज्यादा निशाने पर है। जब सरकार बनी थी महाविकास अघाड़ी की, तब भी संजय राउत चर्चा में थे, चाणक्य माने जाते थे कि तीनों पार्टियों को साथ लाने में। अब सरकार गिरने के ब्लेम भी इन्हीं के ऊपर आ रहा है, जो जिस ढंग से इन्होंने बयान दिए थे, कड़क बयान इनके थे। बात करने के लिए कुछ संजय राउत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कल के बाद आज पहली बार ये सामने आए मीडिया के। संजय जी, आपको ब्लेम किया जा रहा है कि आप जिम्मेवार हैं सरकार गिराने के लिए, सरकार गिरी तो आप उसके कल पे वो हैं। मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ, मुझे बताइए, हमने सरकार बनाई है। हाँ, अभी जब सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, तब भी मुझे जिम्मेदार ठहराया, तब तो बहुत खुश थे ये लोग जो अब बाहर निकल गए, इतने खुश थे तो क्या एक नया चमत्कार हुआ महाराष्ट्र में, एक नया प्रयोग हो गया महाराष्ट्र में, और सब मंत्री पद भी लिए, सब बैठे अंदर सत्ता में जाकर, अब क्या हो गया उनको। देखिए, ये बहाना है, ये अंडर प्रेशर सरकार बनी है, और प्रेशर किसका और क्यों होता है आप सबको मालूम है। अभी कल भी मैं कल ईडी के सामने खुद पेश हो रहा हूँ, मैं नहीं डरा हूँ, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं गुवाहाटी में नहीं गया, हम डरेंगे नहीं, ये डरे हुए लोगों की सरकार है। कुछ लोग जो है जो डरे हुए हैं, वो एक साथ आकर एक गुट बनाया, अब उनको स्वाभिमान का नाम देंगे, हिंदुत्व का नाम देंगे। हिंदुत्व जो है बाला साहब ठाकरे का, न कभी झुका न कभी झुकेगा। और मुझे जिम्मेदार ठहराने के लिए कारण क्या है, आपको क्या कमी थी पार्टी में, आपको पार्टी ने इतने साल से ताकत दी, सत्ता दी, और जो ये बोल रहे हैं ना मैं जिम्मेदार हूँ, ये कौन है? ये पार्टी में कल आए हुए लोग हैं, जो खास करके ज़्यादा से ज़्यादा शरद पवार साहब के नेतृत्व में काम करने वाले लोग थे, वो आज भी पवार साहब को अपने नेता मानते हैं, तो कोई बहाना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि एनसीपी के कहने पे शिवसेना को बर्बाद खत्म करने में लगे हुए थे। ऐसी पार्टी बर्बाद होती है क्या? जब हम बीजेपी के साथ थे तो यही लोग थे बोलने वाले, बीजेपी हमको बर्बाद कर रही है, बाहर निकलो, यही लोग है, हम नहीं। जब बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन था इतने सालों से, तो जब सरकार में शामिल हुए फडणवीस साहब के, तो यही लोग, अरे ये एकनाथ शिंदे जी ने त्यागपत्र दिया था कि बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारी पार्टी बढ़ने से रोक रही है, इसलिए जाहिर ओपन रैली में एकनाथ शिंदे जी ने त्यागपत्र दिया मंत्री पद का। मंत्री परिषद में बैठकर क्या करूं अगर शिवसैनिकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? तो अभी ये बहानेबाजी छोड़ दीजिए, आपने एक नया मार्ग स्वीकार लिया है, नया रास्ता आपने अपनाया है, आप जाइए, हमारी शुभकामनाएं, आप सरकार बनाइए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद आपको मिलने वाला है? वो तो शिवसेना में ही मिल सकता था आपको, बाहर कोई नहीं देगा। ना नारायण राणे जी को मिला, ना छगन भुजबल जी को मिला, ना गणेश नाइक को मिला, छोड़कर चले गए, सबकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई बाद में। देखिए, ये पार्टी बहुत बड़ी है, कैडर बेस है, ये मुख्यमंत्री पद, मंत्री पद, सत्ता, उसके लिए पार्टी नहीं बनी। हाँ, मिलता है तो हम स्वीकारते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, कल छोड़ दिया, हमने कोशिश भी नहीं की बचाने की। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया तो हमें पता चला कि सब कुछ सेट है, तो क्या बात करना है। नहीं, पर आप तो कहते कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में, और आप कहते इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, यहाँ की हवा हवा पानी अलग है, लेकिन आपका ये माइंड गेम था या ऐसे ही आप लोग समझ गए थे कि ये बहुमत खो चुके हैं इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कल इस्तीफा दे दिया? अगर हम कोशिश करते तो जरूर बहुमत जुटा पाते, लेकिन अटल जी का जो मंत्र है, मंडी में माल बिकने को तैयार था, हमने खरीदा नहीं, ऑलरेडी लोगों को किसी ने खरीद लिया है, वापस हम मार्केट में जाकर खरीदना अपने ही लोगों को, ये हमारे तत्व में नहीं बैठता है। अब तक चौपाटी में आए नहीं है ना, आने तो दो, नजरों से नजर तो मिलाइए, फिर देखेंगे कितने रहते हैं और कितने भागते हैं। आपने कहा 40 जिंदा लाशें, तो क्या क्या वो कह रहे कि ऐसी लैंग्वेज, ऐसे बयान, उसकी वजह से नुकसान हुआ, ऐसी उस वजह से नाराजगी हुई? आप हिंदी भाषा के जानकार हो, जिंदा कौमे, जिंदा लाशे, ये शब्द का कभी हिंदी या मराठी साहित्य में इस्तेमाल नहीं हुआ है। राम मनोहर लोहिया ने कहा है जिंदा कौमे 5 साल तक इंतजार नहीं करती,
ऐसे आप देखिए कितने काव्य में जिंदा लाशों का उल्लेख है, ये लोग समझ नहीं पाते, उनका कभी साहित्य से संबंध नहीं आया है। तो जिंदा लाशें क्या है, आपका जमीर मर चुका है इसलिए आप जिंदा घूमने वाली लाशें है, आप मुंबई में आकर क्या करोगे। आपने कहा कि आने दीजिए चौपाटी में, अभी आए नहीं तो क्या होगा, क्योंकि आपने कहा था कि यहाँ देख लेंगे हम लोग, तलवारें चलेंगी सड़कों पे, लड़ाइयां होंगी सड़कों पे, सैनिक उतरेंगे, आग लग जाएगी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चौपाटी में आए तब देखेंगे। भाई आइए कि एक तो सड़क पर शिव सैनिक गाँव गाँव में जहां जहां से ये लोग चले गए हैं वहां गाँव गाँव में शिव सैनिक सड़क पर उतरे हैं, लेकिन हमने कहा कि शांतता शांति, हमको सबको सबक सिखाना है, सबको चुनाव में घर बिठाना है, हमारा काम चल रहा है, पार्टी पार्टी है हमारी कागज पर नहीं है, सिर्फ पार्टी जमीन पर है, हमारी पार्टी हवा में नहीं है, हमारी इंटरनेशनल पार्टी नहीं है, हमारे गांव की पार्टी है, शहर की पार्टी है।